नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एंड मेरा ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सात का पार्ट एक, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। इस पार्ट के पहले इस कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। पार्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा कवि परिचय हो जाए तो शिव मंगल सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 जंगलपुर के उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ। यह परिहार वंश के थे और इनके पिता का नाम ठाकुर साहब बक्स सिंह था। यह एक अच्छे कवि के साथ साथ शिक्षाविद भी थे। इनकी कई रचनाओं ने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। इनकी रचनाएं हैं हिलोल, युग की गंगा, मिट्टी की बारात आदि। ये इनकी रचनाएं हैं। मिट्टी की बारात इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिस पर इनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये तो हो गई इनकी रचनाएं। अब देखते हैं पाठ। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कहने का मतलब पहले पाठ क्या कहना चाहता है। हम यहाँ पे कौन है? ये पंछी। उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, गगन का मतलब आकाश, यानी पंछी यहाँ पर कहना चाहते हैं हम वैसे पंछी हैं, खुले गगन में उड़ने वाले पंछी। अब पढ़ते हैं इन शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित कुछ पंक्तियां जो यहाँ पर दे रखी हैं, जो कवि पक्षियों के मन की बात जानकर अपने कल्पना के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। लेते हैं पंक्तियां। हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पहली चार पंक्तियों में कवि कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम पंछी खुले गगन में विचरण करने वाले हैं, खुले आकाश के पंछी हैं। पिंजर बंधना गा पाएंगे, यदि आप लोग हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम लोग गा नहीं पाएंगे, यानी खुलकर बोल भी नहीं पाएंगे, उड़ भी नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों का मतलब है यहाँ पर, कनक का अर्थ है सोना और तीलियों का मतलब सोने से बना पिंजरा, यानी सोने के बने पिंजरे से टकराकर पुलकित पंख, उमंग से भरे जो हमारे पंख है चंचल, पुलकित का मतलब उमंग से भरे या चंचल पंख जो है वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। कहने का अर्थ है इन पंक्तियों का, यदि हम पक्षियों को सोने के पिंजरे में बंद कर देंगे तो उनके जो पंख हैं उन सोने के पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। लेते हैं अगली पंक्तियां। पंछी कहते हैं हम कहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बल्ली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की में धसे। इसमें पंछी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले कहते हैं कि आप पिंजरे में बंद करके जो हमें पानी पिलाते हो ना, वो हमें अच्छा नहीं लगता। हम कैसे हैं? बहता जल पीने वाले, नदियों का सागर का बहता हुआ शुद्ध जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम क्या होंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। कई बली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निमोरी का अर्थ है यहाँ पर कड़वा नीम का फल है ना, और कनक कटोरी का मतलब सोने की कटोरी, और मैदा का मतलब यहाँ पे होगा दाने से ले सकते हैं अपन। कहते कई बली है कटुक निमोरी, यानी वो कहते हैं आप हमें सोने की कटोरी में दाना देते हो, उससे तो हमें हमारे नीम से मिलने वाला कड़वा फल ही अच्छा लगता है, वो ही हमें प्रिय है। कहने का अर्थ है वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते, क्योंकि चाहे पिंजरा सोने का हो, चाहे उनको सोने की कटोरी में पानी दो, सोने की कटोरी में दाना दो, फिर भी वो क्या चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। ये हो गई। अब लेते हैं अगली पंक्तियां। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की उनकी पर के झूले। कहने का अर्थ है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी सोने की जो जंजीर है ना, जिससे उनको बांध रखा है ना, सोने की बंधन में अपनी गति सब उड़ान भूले, यानी आपने जो सोने की जंजीरें हमारे गले में डाल दी हैं, उससे हम जो जिस वेग से
के झूले, कहने का मतलब वो कह रहे हैं हम पिंजरे में बैठे बैठे सिर्फ सपने देख रहे हैं। तरुणी फुनगी का अर्थ, फुनगी का अर्थ है यहाँ पर वो पेड़ की वो डाली, वो सिरा जिस पर बैठ कर वो झूला झूलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उन उस पेड़ के सिरे पर बैठ कर झूला झूलना क्या देख रहे हैं, पिंजरे में बैठे बैठे खाली सपना देख रहे हैं कि हम कभी पेड़ों के उस सिरे पर जाएंगे, बैठेंगे और झूला झूलेंगे। अगला लेते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले दर की सीमा पाने। पक्षी पिंजरे में बैठे बैठे इच्छा रखते हैं कि ऐसे अरमान है इच्छा है नीले दर की सीमा पाने, यानी इतने ऊपर उड़ते जहां तक आकाश की सीमा होती, जहां तक आपका आकाश का अंत होता वहां तक हम लोग उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने, कहते हैं लाल किरण यानी उनकी चोंच जो लाल सूर्य के किरण के समान लाल है उसको खोलकर चुभते तारक अनार के दाने। तारक अनार के दानों का मतलब होता है तारों रूपी दाने, जो आकाश में तारक थे ना वो, तो वो क्या चाहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा है कि हम आकाश के उस अंतिम छोर तक जाए और हमारी लाल चोंच से तारों रूपी यानी तारे जो है उस अनार के दानों को खाए, यानी ऐसी पक्षी इच्छा रखते हैं। इसके बाद लेते हैं हम अगली पंक्तियाँ। अगली है, होती सीमा नील सितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो सितिज मिले बच जाता या तत्ती सांसों की डोरी। कहने का अर्थ है होती सीमा नील, जिसका कोई अंत, सीमा नील का मतलब है जिसका कोई छोर न हो, जिसका कोई अंत न हो। सितिज से का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर धरती और आसमान अपने को मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे कहते हैं सितिज। तो पक्षी कहता है होती सीमा हीन सितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो सितिज मिलन बच जाता या धरती सासों की डोरी। कहने का अर्थ है पक्षी यहाँ पर कहते हैं कि हम इतना दूर तक उड़ते जहाँ पर सितिज को देखकर या तो सितिज हमारा हमें मिल जाता या धरती सासों की डोरी। कहने का मतलब या तो सितिज से हम मिल जाते या फिर थककर बीच में कहीं हमारी सांसें रुक जाती और हम मर जाते, है ना। इन पंखों की उड़ा उड़ी, इन पंखों से हम दूर तक उड़ते सिद्धि से मिलने के लिए, या तंती सांसों की डोरी या फिर हम मर जाते। इन पंखे का पूरा भावार्थ है कि पक्षी चाहता है कि वो सिद्धि के उस छोर तक उड़े, क्योंकि सिद्धि उसको मिलता हुआ प्रतीत होता है कि वो सिद्धि को हम पा लेंगे। धरती और आसमान जहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको हम पालेंगे, हम इतनी दूर तक हमारे पंखों की उड़ान से उड़ा उड़ी लगा कर यानी दूर तक उड़ते, या तो हम सिद्धि से मिल जाते या तंती सांसों की डोरी। कहने का अर्थ है या तो हमें सिद्धि मिल जाता या फिर हम उड़ते उड़ते वहीं पर हमारी सांसें रुक जाते। अगला, नील न तो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आपको लुढ़ार में भिन्न मत डालो। नील का मतलब होता है घोंसला, टहनी जिस डाली पर वो बैठते हैं, टहनी होती है ना पेड़ की डाली, उसको आश्रय का मतलब आधार जिस पर बैठते हैं, टहनी पर बैठते हैं। छिन भिन का अर्थ है यहाँ पर नष्ट होना, कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल का मतलब है बेचैन। अब आपके ये सारे क्या पता चल गए, तो पक्षी कहना चाहते चाहे तुम हमें घोंसला मत दो, पेड़ों पे रहने का घोंसला मत दो, चाहे टहनी का आश्रय यानी उस डाली का, पेड़ की डाली का आश्रय भी मत दो, पेड़ की डाली पर भी हमें मत बैठने दो। छिन भिन कर डालो यानी तुमने क्या कर डालो, और तुम हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, जो डाली पर हम बैठते उसे भी तुम नष्ट कर डालो। लेकिन 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 मतलब यहाँ पे कह रहे हैं भगवान ने हमें क्या दिए हैं, पंख दिए हैं, यदि भगवान ने हमें इतने सुंदर पंख दिए हैं तो आकुल का मतलब बेचैन, हम बेचैन हैं उड़ने के लिए, उस उड़ान में विघ्न मतलब बाधा या रोको मत, उस बेचैन उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी यहाँ पर कहना चाहता है मनुष्यों से कि तुम चाहे हमें पेड़ों पर घोंसला मत बनाने दो, चाहे पेड़ों की डाली पर मत बैठने दो, और हम जिस पर बैठते हैं सबको नष्ट कर डालो आश्रय स्थल को, लेकिन भगवान ने हमें इतने सुंदर पंख दिए हैं तो हमें क्या करने दो, उड़ने दो, हमें स्वतंत्रता से उड़ने दो, उसमें रोक टोक मत करो यानी अवरोध उत्पन्न मत करो। ये तो हो गई अपने पूरी पंक्तियों की।
पंक्तियों का भावार्थ इसमें कवि कहना क्या चाहता है पंक्तियों के माध्यम से, पूरे पंक्तियों का सारांश यही है। कवि हमें कहना चाहता है कि हमें कभी पशु पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता से उड़े। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, सोने के पिंजरे को भी रहना, सोने के पिंजरे में भी रहना उसको पसंद नहीं, सोने की कटोरी में खाना भी उसको पसंद नहीं। वो कहते तुम मनुष्य से कहते तुम हमारा सब कुछ ले लो, लेकिन हमें क्या दे दो, हमारी स्वतंत्रता दे दो। भगवान ने इतने सुंदर पंख दिए हैं तो तुम हमें उड़ने दो।